उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों की परेशानी का, आवारा पशुओं का, और ये मुद्दे ऐसे हैं ज्वलनशील मुद्दे हैं जिससे पूरी की पूरी जनता परेशान है। हम लोग विकास की बात ये लोग करते थे, इन्होंने कोई विकास का कार्य किया नहीं, तो ये मुद्दे हैं नौजवानों के बेरोजगारी। नहीं, पैदल जाते हैं, पैदल जा कर के जहाँ भी जाते हैं पूरा काफिला बन जाता है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है, पूरे प्रदेश में बदलाव है, दोनों गठबंधन को पूरी जनता स्वीकार कर रही है। पहली बार ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में आंधी आने वाली है। उत्तर प्रदेश में अब किसी से कोई टक्कर नहीं, उत्तर प्रदेश में 300 प्लस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, मुझे लगा कि 400 सीट पूरी ना हो जाए। जनता पार्टी के जो नेता रहे हैं वो पूरी जनता का विरोध और जनता का प्रकोप देख रहे हैं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी अपना रोड शो कर रहे हैं, और कल के बाद पूरे के पूरे जनपद में से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। सबसे पहले सिकंदराबाद शहर का ड्रेनिंग सिस्टम ठीक किया जाएगा, यहाँ का पानी गंदा गंदा भरा हुआ पड़ा है सब लोगों के, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। यहाँ पे जो उद्योग लगे हैं उसमें लोकल बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी और लगेगा कि यहाँ रोजगार उपलब्ध है। उसमें किसी से नहीं है हमारा कॉम्पिटिशन, पूरे समाज ने, पूरे जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। वो त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, इस बढ़ती हुई महंगाई से, बेरोजगारी से, किसानों के अपमान से। जनता ने मन बनाया हुआ है कि सरकार को हटाना है। मेरे मुद्दे बेसिक मुद्दे हैं, क्षेत्र के अंदर अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार होना चाहिए। हमारे यहाँ पर एथलीट्स बहुत अच्छे हैं, दौड़ लगाने वाले बच्चे अच्छे हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जगह होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स अच्छी होनी चाहिए। यही मुद्दे हैं। एक जनप्रतिनिधि का काम ही ये होता है कि लोगों के जीवन में मूलभूत परिवर्तन लेके आने का। पहले मेरा मन है यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए, जिसमें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे ग्रामीण एरिया में बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं पुलिस की, तैयारी करते हैं आर्मी की, वो दौड़ लगाते हैं सड़कों पर, सड़कों के हाल टूटे हुए हैं, तो जिनको उनको बहुत इंजरी हो जाती है। तो मेरा मन है कि ग्राम सभा में या जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हों वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बन जाए, स्पोर्ट्स ग्राउंड बन जाए, जाकर उनको रनिंग का एरिया मिल जाए। जनता इसलिए वोट करेगी, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ विकास की, मैं बात कर रहा हूँ अपने युवाओं के रोज़गार की, मैं बात कर रहा हूँ अपने बड़े बुजुर्गों की चिकित्सा की, मैं बात कर रहा हूँ किसान के सम्मान की, मैं बात कर रहा हूँ किसान के उपज के सही दाम की। समाजवादी पार्टी के जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ कहती हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, वो बात कर रही हैं 10 लाख सरकारी नौकरी की। माननीय अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी बात कर रहे हैं गन्ने के 15 दिन में पेमेंट की, वो बात कर रहे हैं 23 लाख आईटी सेक्टर में जॉब्स की। ये मुद्दे हैं, ये आज के युवाओं को, आज के लोगों को ये चीज़ चाहिए। नाम तो मेरा दस अहमद, सबको बताओ, कामरान चंदेरू। देखिए, मेरा बसपा से टिकट हुआ था, लेकिन बसपा में सबसे बड़ी कमी ये है, बहन कुमारी मायावती अच्छी हैं, उनकी बुराई नहीं कर रहे हम, जो उनके दलाल हैं उन दलालों ने उनका नाश कर दिया। और इसीलिए सबसे चेहरा जो पसंद मुझे है वो चेहरा पसंद है अखिलेश यादव का। उनके पास डायरेक्ट मिल सकता आदमी, कोई रिश्वत नहीं है कि 2 लाख। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।